सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यार रूम का लाइट ख़राब हो गया है। तो अभी कॉल भी किए थे लेकिन अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज लाए हैं, जो कि जब भी हम बाइक पे राइड करते थे तो हमको अकेला सा फील होता था कि यार कोई साथी अगर होता तो बहुत अच्छा होता। तो एक ऐसा गुड न्यूज लाए हैं जो गाइस मेरा साथी आ गया है। तो वो क्या साथी है दोस्तों, आज का इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा फुल एंड तक देखना है दोस्तों, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वो यही है मेरा साथी, देख सकते हैं, SJ Cam 4000। तो दोस्तों, यही है मेरा साथी, ये थोड़ा ही जोक था। इसका जो अनबॉक्सिंग करेंगे गाइस, और इसका क्या क्या फीचर दिया गया है इसका हम पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, अगर आप मोटो मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो, अगर आपके पास मनी नहीं है, इतना एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैमरा आप परचेस कर सकते हैं, जो कि 5000 में ही आपको मिल जाएंगे। और इसका फीचर्स भी बहुत गजब का दिया है दोस्तों, क्योंकि हम इसको यूज किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिल भी जाएंगे गाइस। यूट्यूब में टाइप कीजिएगा लाइफ ट्रेवल वर्ल्ड, उसमें ओनली फॉर ब्लॉगिंग मिलेगा। तो उसमें मिल जाएंगे गाइस इसका फीचर्स कि किस तरह से इसका क्वालिटी है। तो ये दोस्तों इतना आपको बोरिंग सा फील नहीं करवाएंगे कि अगर आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो ये परचेस कर सकते हैं, और कम समय में अगर आप मोटो ब्लॉगिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कई बार होता है ना गाइस कि अभी गोप्रो 6, 7, 8, 9 जो आया है तो उसका कॉस्टली समथिंग 44,000 लगभग पड़ जाएगा। तो यार इसलिए आप सब इतना एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक्साइटेड हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो आप ये कैमरा परचेस कर सकते हैं क्योंकि इसका भी अच्छा फीचर्स दिया गया है। टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ये है आपका SJ Cam 4000। इसका देख सकते हैं दोस्तों, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। वाटर रेसिस्टेंट ये सब क्या क्या है पता नहीं यार, हमको उतना नॉलेज भी नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये पहले से हम एक वीडियो इसका बनाए थे मोटो ब्लॉगिंग। तो ये है, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या क्या मिलता है दोस्तों, क्या क्या दिया गया है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक एक करके सकते हैं। ये है जो SJ Cam 4000, इसका क्वालिटी भी बहुत गजब का है दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो हम इसमें मोटो ब्लॉगिंग किए थे। तो इसका क्वालिटी, चलिए इसको हम रख देते हैं, इसके बाद क्या क्या दिया है दोस्तों हम देखते हैं। तो सिंपली इसको हम रख देते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका कुछ दिया है, इसका कवर है, मतलब आप अगर ट्राईपेड अगर है दोस्तों तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ता है ट्राईपेड में, ठीक है। इसके बाद ये दिया गया है दोस्तों, जो ये बाइक में राइड करने के टाइम में ये उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है शायद यहाँ लगेगा, ठीक है, बाइक जब राइड कीजिएगा हेलमेट में माउथ कीजिएगा तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए इसको हम रख देते हैं। इसके बाद और क्या क्या दिया है देख सकते हैं, ये भी दिया है दोस्तों कि ये जो है पूरा सील है, ठीक है, अगर वाटर, ये मतलब कि वाटर प्रूफ है। अगर आप मान लीजिए वाटर पे भी इसको शूट कर सकते हैं वीडियो, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। ये भी बाइक में ही राइड करने के लिए दिया है। इसके बाद यहाँ एक डाटा केबल दिया है, जो इसके ज़रिए आप चार्ज कर सकते हैं अपना SJ Cam को। और ये दोस्तों कुछ इस तरह से दिया है, जो हेलमेट में माउथ करने के लिए दिया है, तो इसको माउथ कर सकते हैं। इसका भी एक वीडियो बना देंगे कि किस तरह से इसमें माउथ करना है। तो दो गो होना चाहिए शायद, हाँ दो गो है दिया है, देख सकते हैं। तो पता नहीं ये क्या है, ये भी हेलमेट का है दोस्तों, कि इसका भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किस तरह से
हेलमेट में माउंट करना है, ये भी उसी का ही होना चाहिए दोस्तों। और ये है जो बाइक में लगा सकते हैं, जो हैंडल जिसको बोलता है दोस्तों, उसमें लगा सकते हैं इसको। और ये पता नहीं क्या है, कहाँ पर यूज होता है, देखना होगा दोस्तों। तो यही कुछ दिया गया था SJKM इसका, चलिए। और ये जो दिया है दोस्तों, ये हेलमेट में चिपकाने के लिए दिया है, जो आप हेलमेट को अपना कैमरा को माउंट कर सकते हैं। तो चलिए ये सबको अब रख देते हैं दोस्तों, अब कैमरा पे चलते हैं, क्या फीचर्स दिया है इसका। तो सिंपली और इसको ओपन भी करना चाहोगे तो ओपन भी कर सकते हैं इसको। ये जो देख रहे हैं स्लाइड, इसको इस तरह से करना है, और इस तरह से करना है दोस्तों, और इसको उठा देना है, ठीक है। पता नहीं यार, खुल नहीं रहा। तो ये देखिए खुल गया है, तो इस तरह से खुलना है, ओपन करना है। इसके बाद ये जो है देख सकते हैं, यहाँ लॉक दिया गया है, इस तरह से ही चिपक के रहता है। तो इसको आगे के की ओर खेलना है, और इस तरह से करना है दोस्तों, और ये इसमें यह खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतना छोटा है, और इसका वेट भी 50 ग्राम से भी कम होगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं दोस्तों। ये है आपका मूड, इसमें ओपन होता है, और ये है ओके, इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें कुछ दिया गया है, ये वाईफाई का है शायद, इसमें वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो देख सकते हैं, इस छोटा सा स्मॉल मिनी स्पीकर है, और ये जो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका माइक का है, पर इसका कोई एक्सटर्नल माइक दिया हुआ नहीं है। ये आपका मेमोरी कार्ड लगता है, 128 GB तक सपोर्टेड है। और इसमें जो है देख सकते हैं, इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो इसका बैटरी इस यहाँ दिया गया है, तो इसको चलिए बैटरी को भी एक बार ओपन करते हैं। तो इसका बैटरी भी ओपन कर लेके देखते हैं दोस्तों। तो ये यार इतना छोटा इसका बैटरी दिया है, 900 mAh का है, और बैकअप इसका ज़्यादा नहीं देगा, समथिंग 1 से 2 घंटा देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो चलिए इसको हम एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये है SJKM 4000। तो यार देख सकते हैं, इसका क्वालिटी भी बहुत गजब का दिया है। अभी फ़िलहाल मेमोरी कार्ड लगा हुआ नहीं है दोस्तों, इसीलिए प्लीज़ इनसेट कार्ड लिख रहा है। तो इसका कुछ फीचर्स के बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर मूड पे डबल क्लिक करते हैं दोस्तों, इसमें आपका फुल इमेज आ जाएंगे। तो इसमें क्लिक कर सकते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, बट इसमें अभी मेमोरी कार्ड लगा हुआ नहीं है। तो इसमें फिर से ओके करते हैं, इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से फीचर्स दिया है। ये जो है वॉल्यूम डाउन है, इसके ज़रिए आप नीचे और कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका कुछ फीचर्स दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम दिखा लेते हैं दोस्तों, क्या क्या फीचर दिया है। तो रेजोल्यूशन है, जो दोस्तों इसको आप कौन सा मूड में रखना चाहते हैं, 1080 या 720, चाहे 720p 30f, तो ये सब कुछ दिया गया है। इसके बाद आप लैप रिकॉर्डिंग, ये सब का तो हालांकि मुझे भी पता नहीं है दोस्तों, आपको ठीक से दिखता होगा। इसके बाद ऑडियो का भी देख सकते हैं, जो माइक का है ये ऑन ही रहने देना है, ऑफ नहीं करना है, नहीं तो यार आपका आवाज़ नहीं आएगी। वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे भी आपको, ये वॉल्यूम जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका मिनी स्पीकर में जो लगा हुआ है, इसी का ही वॉल्यूम है, और जो कीपैड का जो होता है वॉल्यूम, उसका भी है, ठीक है। तो सिंपली इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद देख सकते हैं इसका कुछ फीचर दिया गया है, इमेज क्वालिटी, साइज, कौन सा साइज में रखना चाहते हैं। तो मेरा यही रहने देते हैं 40x32। इसके बाद
क्वालिटी दिया गया है, तो फाइन मीडियम, चलिए फाइने में रहने देते हैं। इसके बाद इसका कुछ दिया गया है, इसको छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ डेट टाइम दिया गया है, कीपैड टोन, स्क्रीन सेवर, कुछ यहाँ इस तरह से डिटेल दिया गया है। तो इसका एक फ़ोटो भी हम आपको दिखा देंगे दोस्तों, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में मेरा वो चैनल में आपको मिल जाएंगे, लाइव ट्रेवल वर्ल्ड। तो इसका फ़ोटो वीडियो क्वालिटी भी इसका बहुत गजब का दिया है दोस्तों, पूरा क्लीन आता है। तो यह आसानी से आप परचेस कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिंक दे देंगे, चाहे तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो इसका कुछ यही थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। अगर ये वीडियो में थोड़ा बहुत अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो इसका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे दोस्तों, किसका वीडियो रिकॉर्डिंग और इसका माइक का क्वालिटी किस तरह से है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा यही एंड करते हैं दोस्तों, तब तक चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक यू, बाय बाय।